नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एसके चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक जिसमें समाहित है गूढ़ जीवन दर्शन। दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। श्लोक नंबर 1, नैनम छिद्रियन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेश दन्तापो ना शोष्यति मारुत। अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। इसका अर्थ है आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। श्लोक नंबर 2, हतो वा प्राप्त सही स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धे कृत निश्चया। अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। इस श्लोक का अर्थ है यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चित करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ कर और कुछ नहीं है। श्लोक नंबर 3, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत स्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजम्याम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। इस श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। श्लोक नंबर 4, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक का अर्थ है सज्जन पुरुषों में कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्लोक नंबर 5, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असस्तु कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में नहीं, इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्लोक कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। नेक्स्ट श्लोक, धायतो विस्यान पुंस स्वांग श्वेत पुस जायते संगात संजय काम काम क्रोध अभिज्यते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। इस श्लोक का अर्थ है विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है, इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय शक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 7, क्रोधावप्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभम्र स्मृति भ्रांसाय बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा तप प्रनश्यति। इस श्लोक का अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्लोक नंबर 8, यद्धता चर्ति श्रेष्ठा सततता देवरो जना सायत प्रमाणम कुरते लोका सर्वदा नवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्लोक नंबर 9, श्रद्धावन लला भाते ज्ञानम तत्पर सैन्य ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेना धीगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधना परायण हो, अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करे, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 10, सर्वधर्म परितजन्यः मामकेम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापभ्यो मोक्षायस्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। इस श्लोक का अर्थ है सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसीलिए शोक मत करो।
दोस्तों ये थी भगवत गीता की 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक। दोस्तों श्लोक के उच्चारण में अगर कोई गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई संस्कृत का आचार्य नहीं हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।